अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था साइन बाइनरी नंबर्स की एडिशन को थोड़ा सा डिस्कस किया था लेकिन, और उसके बाद हमने इसकी सबट्रैक्शन को डिस्कस किया था, मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस किया था, और देन उसके बाद हमने उसकी डिवीजन को भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जो है ना साइन बाइनरी नंबर से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और हम जो है ना अपना हेक्साडेसिमल नंबर से सीधी तरह पाते हैं। तो बेसिकली आज हमने यही काम करना है हेक्साडेसिमल से। तो बेसिकली जो हेक्साडेसिमल सिस्टम है वो मेरे पास होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जीरो से एफ तक। ठीक है, तो जीरो से एफ तक क्या मतलब है, मतलब मैं जैसे यहाँ पर जो है आपको बता रहा हूँ, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, और नाइन के बाद हम क्या करते हैं, टेन की जगह ए, इलेवन की जगह बी, सी, 13 की जगह ई, 14 की जगह डी और 15 की जगह एफ, मतलब ये मेरे पास होता है 0 टू एफ। ठीक है, अच्छा अभी हम इनके कोड भी लिख लेते हैं आगे अपनी आसानी के लिए। तो आगे चलते हैं, इनके कोड देखते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो है ना वन का कोड 0001 आ जाएगा, 0010 0011, उसके बाद 0100, देन उसके बाद मेरे पास आ जाएगा जी, यार मैं अपनी आसानी के लिए क्या करता हूँ, 01, क्योंकि बार बार इन्वर्ट कर रहे हैं, 01 01 0 आ गया तो 01 01 01 0 और 1। अच्छा, देन उसके बाद देखिए 2 0 2 1 2 0 फिर आ जाएंगे इस तरह से, 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1, उसके बाद देखिए 4 0 4 1 2 3 4 फिर 4 0, चार वन हो गए, देन उसके बाद 8 0 आ जाएंगे, यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 8। तो बेसिकली ये हमारे पास हमने कन्वर्ट कर दिया डायरेक्टली हेक्साडेसिमल से बाइनरी में, तो मतलब बाइनरी तो नहीं है लेकिन ये हमें जो उनके कोड्स हैं, तो ताकि हमें आगे आसानी रहेगी वो हम देख लेते हैं किस तरह से। अभी लेट्स सपोज मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मेरे पास है एफ और एफ, इसे मैंने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, बेस टू में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बेस टू में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस एफ को अलग कर लेंगे, इस एफ को अलग कर लेंगे, इस एफ का कोड मेरे एफ का कोड मेरे पास 4 1 है, इस वजह से मैं कह रहा था कि हम इसे इसे निकाल लेते हैं पहले, और इसका भी 4 1 है, एंड बेस कंबाइन कर देते हैं, तो ये मेरे पास इसका बाइनरी आ गया। एक काम है, 4 और
ये मेरे पास इसका कदबरिया नाम है। देन उसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, मैं कह लेता हूँ कि बी टू थ्री एस, इसी को नोट कर लेते हैं। ठीक है, एफ के लिए मेरे पास कोड है चारों के चारों का बाइनरी का। थ्री के लिए मेरे पास क्या कोड है, ये वाला 00 00 का। टू के लिए कौन सा कोड है, 00 10। उसके बाद बी के लिए कौन सा कोड है, ये यहाँ से देख लेते हैं 101। ठीक है, अभी हम इन्हें कंबाइन कर लेते हैं सबको, ये 16 है तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं बाइनरी में हम। ये मेरे पास बेस्ट ऑफ इंटर वर्ड ऑफ है। एक दो और एग्जांपल्स लिख देते हैं। यहाँ पर मैं 9742 इसे ले लेता हूँ, इसे मैंने करना है ये बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 2 का अलग, 4 का अलग, 7 का अलग, 9 का अलग। 2 का मेरे पास क्या कोड है, 00 10। 4 का मेरे पास कौन सा कोड है, 01 00। और 7 का कोड है जी मेरे पास 0 111। और 9 का कोड है जी 1001। इसे कंबाइन करके लिख लेते हैं 1001 0111 और 0100001। तो ये मेरे पास इसका बाइनरी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 10B39। तो इसमें भी 9 का कोड है मेरे पास 1001। उसके बाद 3 का कोड है मेरे पास 00 11। उसके बाद मेरे पास बी का कोड है 101। और 0 का अलग से कोड लेते हैं, इसे स्किप नहीं करना 0 समझ के। और ये 001, इन्हें हम कंबाइन करके लिखते हैं तो 001 10 01 10 01 और 1001। तो ये मेरे पास आ गया जी बाइनरी में। अच्छा, अब उसके बाद सवाल ये पैदा होता है, अगर हमने बाइनरी से एग्जैक्ट, ये था हेक्साडेसिमल से बाइनरी, अभी हमने बाइनरी से हेक्साडेसिमल मूव करना है तो हम क्या करेंगे कि हमने जाना राइट साइड पे जाना है सबसे पहले। तो राइट साइड पे जाने के बाद चार चार बिट्स का पेयर बना देना है। ये इन चार का बनाऊंगा मैं, उसके बाद ये इन चार का बनाऊंगा, इन चार का बनाऊंगा, इन चार का बनाऊंगा, इन चार का बनाऊंगा। लेट्स सपोज मेरे पास कोई ऐसा नंबर आ जाता है जिस तरह से मेरे पास 01 यहाँ पर आ गया, तो मेरे पास अभी ये 2 बिट्स पड़ गई हैं, तो मैंने इन्हें 4 बना देना, दरमियान पीछे 2 0 ऐड करा देते हैं। तो आप इसके इसमें परेशान नहीं होना, अगर मेरे पास 1 डिजिट आ रहा है उसे मैंने 4 डिजिट बनाने हैं तो मैं 3 0 ऐड करा दूंगा, 3 आ रहे हैं तो 1 0 ऐड साथ में जाना लिख दूंगा, तो इसमें कोई इशू नहीं है। 1001 का कोड क्या था मेरे पास, यहाँ से मैं देख लेता हूँ, 1001 का कोड है मेरे पास 9, तो यहाँ पर मैं 9 लिख देता हूँ। 00 11 का कोड है मेरे पास जी 3, तो यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ। और 10 11 का कोड है मेरे पास 10 11, ये रहा बी। और चारों के चारों 0 है तो ये 0। उसके बाद 3 3 0 1 है तो ये मेरे पास यहाँ पर 1। ये देखें, ये मेरे पास अगेन बाइनरी से हेक्साडेसिमल की तरफ आ गए। अच्छा, देन उसके बाद देख लेते हैं जी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये हम किस तरह से कर सकते हैं। बढ़िया,
बेस्ट मेड टू एक्सेलेंसी का पार्ट। इसकी मैंने कट वैल्यू करनी है, लेट्स सपोज मेरे पास ये नंबर है 650 और ये है बेस 10, मैंने इसे बेस 16 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसे जो है ना, एक तो मेरे पास मेथड ये है डिवीजन का, डिवीजन का मेथड वो भी कर लेते हैं, और एक और मेथड मैं आपको बताऊँगा एलसीएम का, जैसे हम जो है ना डेसिमल से बाजी की तरफ मूव कर लेते हैं वो भी हम कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। 650 डिवाइडेड बाय हम करेंगे 10 तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 40.625। तो जो हमारे पास 40 है, सॉरी हमने क्या करना है, 0.625 को मल्टीप्लाई करा देना है, जो पॉइंट्स के बाद वाली जो वैल्यू होगी ना उसे हमने मल्टीप्लाई करा देना है 16 के साथ। तो हम क्या करेंगे, 0.625 को मल्टीप्लाई करा देंगे 16 के साथ, तो 16 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये मेरे पास आता है 10 जो कि इक्वल है 1 है। अच्छा अभी मेरे पास ये 40 बच जाता है, तो 40 को मैं 10 पे डिवाइड करा देता हूँ, मेरे पास क्या आंसर आता है इसका, तो सॉरी 16 में जाकर डिवाइड कराना है, मैंने गलती की है, 16 में डिवाइड कराना है, 16 को अगेन डिवाइड करा देता हूँ तो 2.5 आ जाएगा। यहाँ पर मैं 0.5 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो इसके आंसर मेरे पास 8 आ जाएगा, तो 8 इस तरह से सिमिलर रहेगा। देन मेरे पास 2 आ जाता है, तो 2 डिवाइडेड बाय 16 का करेंगे हम, इसका आंसर 0.125 आ जाता है। अच्छा अभी 0.125 को आप मल्टीप्लाई करा लेते हैं इससे, ये मेरे पास आ जाता है जी 2। देखिए अभी यहाँ पर मेरे पास 0 रह गया, तो 0 डिवाइड बाय 16 मेरे पास यहाँ पर 0 होगा, तो इधर अपना प्रोसीजर खत्म कर देंगे, और ये मेरे पास जो होगा ये मेरे पास आ जाएगा जी हेक्साडेसिमल में, यहाँ से हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक 288 ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 16। अच्छा तो जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बता रहा था कि वो आपने कुछ इस तरह से करना है, ये वो हम कर लेते हैं जी 650 यहाँ पर 16, तो ये मेरा 40 और 10 रिमाइंडर जो कि 1 ही ऊपर है, ठीक है। देन उसके बाद 16 अगेन डिवाइडेड आ जाते हैं 2 और यहाँ पर मेरे पास 8 आ जाता है, 2 पर अभी मजीद जो है ना क्योंकि 16 बढ़ाया से 2 से, तो जैसे ये मेरी वैल्यू बड़ी आ जाती है इससे तो हम जो है ना बी एन नहीं रोक देते हैं, तो 288 इस तरह से मेरे पास आसानी से निकल गया। बजाय इस तरह से कि मैं डिवीजन करूँ मल्टीप्लीकेशन करूँ मेरे पास प्रोसीजर ज़्यादा होगा, तो इसलिए आप क्या करते हैं ये वाला मेथड अडॉप्ट कर लेते हैं। तो अगर हमने हेक्साडेसिमल से डेसिमल की तरफ आना है तो हम इसे मल्टीप्लाई करा देंगे 16 के साथ और उसका जो है ना आंसर निकाल देंगे। लेट्स सपोज मेरे पास ये है ना, तो मैं क्या करूँगा 16 के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा इसे 10 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 0 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 2, तो इस तरह से हमारे पास जो है ना आंसर आ जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है ना ये 650 आएगा। अच्छा आगे चलते हैं जी, आगे हम यहाँ पर हेक्साडेसिमल की सिर्फ एडिशन को देखेंगे, हम इसकी सब्ट्रैक्शन और एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह की तरफ नहीं जाएंगे, हम जो है ना सिर्फ एडिशन की तरफ ही जाएंगे। तो ये मेरे पास जी का कोड बन रहा है, 8 और 7 मेरे पास 15 है, तो एफ का कोड 6
और फाइव मेरे पास इलेवन है, तो इलेवन वाले का कोड मेरे पास हो जाता है जी बी, और फाइव और फोर नाइन है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ये तो रही सिंपल एडिशन। लेट्स सपोज मेरे पास जो है ना ये इस रेंज के बाहर निकल जाता है, एफ के बाद मतलब मेरे पास 17 आ जाता है, 16 आ जाता है, 22 आ जाता है, 24 आ जाता है, मतलब इस तरह से जो है इसकी रेंज से बाहर आ जाता है, उस केस में हमें क्या करना है। तो हम सिंपल एक जो है ना फॉर्मूला से अप्लाई करते हैं। अच्छा, एक मेरे पास ए डबल डी है और एक डी ए डी है। तो अच्छा, डी मेरे पास क्या है, यहाँ पर 14 है, 14 और 14 को मैं ऐड करता हूँ, आपस में जमा करता हूँ, मेरे पास 28 आता है। ठीक है, 28 आता है। अभी मैंने क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। और काम कुछ इस तरह से करना है कि यहाँ पर मैं 14 और 14 मेरे पास आ जाएगा जी 28। 28 पर से मैंने क्या करना है जी 16 माइनस कर देना है, सॉरी 28 में से मैं क्या करूँगा कि ऐसा नंबर मैंने माइनस करना है कि मेरे पास आंसर में 16 आ जाए। तो यहाँ पर मैं लेट्स सपोज 16 को माइनस करता हूँ 2, और 2 में से मान क्या हुआ, तो यहाँ पर 16 को जो जो भी नंबर आता है हमें 16 को माइनस करना है। और 12 का कोड मेरे पास क्या बनता है जी सी, यहाँ पर सी आ जाएगा, और डी और ए आ गए अभी। और यहाँ पर एक और मैंने काम करना है ना, एक मैंने कैरी दे देना है, जैसे ही मेरे पास ये सिस्टम ये सिनेरियो आता जाता है ना, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ एक कैरी दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की हुई है, तो हम सेट कर लेते हैं ए बी सी डी ई और एफ, टेन इलेवन और ये 13। तो 13 यहाँ पर 13 और 13 मेरे पास आ जाएगा 26। 26 में से हम 16 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाता है 10 आ जाता है, तो यहाँ पर 10 का कोड लिखेंगे ए आ जाएगा। अच्छा, 10 उसके बाद ए आ गया, ये अगर जहाँ पर ये प्रोसीजर फॉलो हो रहा है ना, तो ए लिखने के बाद हम क्या करेंगे वन कैरी दे देंगे। वन कैरी देने के बाद अभी देखें डी का कोड मेरे पास क्या है, डी मेरे पास 13 है, 13 और हम 10 को ऐड कराते हैं तो क्या है मेरे पास 23। 23 में एक और ऐड कराते हैं तो 24। 24 में से अब हम माइनस करा लेते हैं 16 को, ठीक है, तो ये कितना बनता है 8। अच्छा, 8 हमने यहाँ पर लिख दिया और वहां मेरे पास कैरी डी और ए अभी अगेन आ गया मेरे पास, तो यहाँ पर अगेन 8 आ जाएगा और वन कैरी, और ये मेरे पास यहाँ पर वन आ जाएगा। इसका आंसर 188 ए है। तो इस तरह से हम इसको एडिशन को परफॉर्म करते हैं। मैं एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूँ, मेरे पास डी और डी आ रहे हैं, डी का कोड है 13, इस डी का कोड भी 13 होगा, लाजमी बात है 13 और 13 करेंगे 26 आ जाएगा, यहाँ पर 26 में से 16 को हमने माइनस कर देना है, इसका आंसर आ जाएगा 10। जो भी आंसर आएगा वो हमने एज इट इज इधर लिख देना है, उसका कोड 10 का कोड है मेरे पास ए, तो यहाँ पर मैंने ए लिख दिया। देन उसके बाद हम क्या करते हैं कि ए के अंदर कैरी ले लेते हैं, ए के बाद ए कैरी ले देंगे, और यहाँ पर इन दोनों की एडिशन करा के साथ में वन ऐड करा देते हैं। तो वन ऐड करने के बाद मेरे पास क्या आ रहा था 24 आ रहा था, 24 में से अगेन मैंने 16 माइनस किया तो मेरे पास ये आ गया जी 8। 8 यहाँ पर लिख दिया वन कैरी, दोबारा से मेरे पास 24 आया, 24 में से 16 माइनस किया 8 वन कैरी, यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो यहाँ पर डायरेक्टली मैंने वन लिख दिया। तो आज की हमारी वीडियो यही तक थी, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।